नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का जो हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में सबसे पहले परमादरणीय श्री गुरु जी श्री जितेंद्र जी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज का कार्य आरंभ करते हैं। देखिए, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज वीडियो है हमारी लॉ रिलेटिंग टू वोमेन एंड चाइल्ड, यानी कि महिलाओं और बालकों से संबंधित विधि कानून। तो इसमें जो बात की जाएगी, सभी बातें महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु की जाएगी। जैसे कि सबसे आज का जो समय चुनौतीपूर्ण टाइम है, सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न है मेरे सामने कि समान वेतन अधिनियम 1976 के मुख्य उपबंधों का उल्लेख कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ समान वेतन अधिनियम 1976 के जो मुख्य उपबंध हैं, दरअसल में भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया जाता है, चाहे वो मतलब पुरुष हो या महिला हो। अगर एक ही कार्य है, एक ही कार्य के लिए दोनों को समान वेतन प्राप्त होगा। और इसके साथ ये निर्धारित किया गया है कि कोई पुरुष या स्त्री, अगर कोई वर्कमैन है, वर्क वोमेन है, कर्मकार है, उनकी शक्ति का दुरुपयोग ना हो और उनके साथ में जाति लिंग के आधार पर असमानता का जो प्रभाव है वो उन पर ना पड़े, और पुरुष और नारियों को समान रूप से सम्मान और जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए, ये इसके अंदर में बताया गया है। इसके अलावा इन सबको पारित करने के लिए कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, और इसके लिए एक वो है हमारा बंधित श्रम पद्धति 1976 है, और पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। ये कई सारे हमारे सामने एक्ट हैं जो समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को प्रोत्साहित करते हैं। तो एक केस लॉ मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे केस का नाम है रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस मामले में ये स्पष्ट किया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सभी को प्रदान किया जाता है। हालांकि जो आर्टिकल 39 है वो कहता है कि पुरुष और वेतन, पुरुष और महिलाएं अगर समान कार्य करती हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। हालांकि जो ये अधिकार है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। हालांकि इसको मूल अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए था, फिर भी इसमें क्या हुआ कि इसको एक संवैधानिक रूप दिया गया, इसको एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके साथ ही और केस है मेरे पास दो, भगवान दास बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, आरडी गुप्ता बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। तो इन दोनों केसों में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ में पढ़ा जाए। ये तो आप जानते ही हो कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिए गए हैं। तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 ये भी मूल अधिकार हैं। तो आर्टिकल 39 को जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान कर रहा है, इसको आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 को जो है अनुच्छेद 14 और 16 के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, जैसा कि अनुच्छेद 42 है जो ये कहता है कि जो न्याय संगत चीज़ें हैं और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रसूति सहायक है, यानी कि जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट
भी बनाए गए हैं, तो उस दशा पे महिलाओं की स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आर्टिकल 44 की। देखिए आर्टिकल 44 के अंदर में ये कहा गया, ये आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके ऊपर अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है वो ये वर्णन करता है, लेकिन आज तक भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया है। हालांकि महिलाओं की जो स्थिति है उसको बदतर करने का काम किया है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है उसको बदतर करने का काम किया है एक केस ने, वो केस था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, शाहबानो बेगम के इस केस के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 बना। चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के केस में ये कहा था कि इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिस पर मुस्लिमों ने एतराज़ जाहिर किया और जिसके आधार पर मजबूरन मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 बनाया गया। इसमें ये बताया गया था कि कोई भी महिला वो कंपनसेशन तलाक के बाद में कंपनसेशन प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी, वो केवल मेहर की राशि जो विवाह के बदले दी जाती है वो केवल मेहर ही अपनी प्राप्त कर सकती है। तो इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। ठीक है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक यो है कि हिंदू विधि में प्रयुक्त क्रूरता शब्द को परिभाषित करें। तो क्रूरता शब्द से मतलब ये होता है कि जिसको डिफाइन किया जाता है आईपीसी सेक्शन 498A के अंदर में। इसमें यह होता है कि किसी महिला को इस आशय से परेशान करना या उसके किसी रिश्तेदार को इस आशय से परेशान करना कि उनसे कोई ऐसी वस्तु की मांग की जाए जिसको वो पूरा करने में असमर्थ हो, तो और असमर्थता होने पर महिला को प्रताड़ित करना या जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण या कोई ऐसा कार्य जिसके कारण उस महिला के अंग या उसके स्वास्थ्य या उसको मानसिक या शारीरिक रूप से कोई कष्ट पहुंचे या उसको आत्महत्या करने के रूप में प्रताड़ित किया जाए। तो ये जो घटनाएं हैं ये हमारी क्रूअल्टी यानी कि क्रूरता के अंदर में आती है। उसके बाद जब ये क्रूरता बढ़ी है, यानी कि जो इन सारी क्रूरताओं को रोकने के लिए भारतीय दंड विधान की जो धारा है 498A ये इनको रोकने का कार्य करती है। उसके बाद सन 1986 में एक नया अपराध जो दहेज मृत्यु था उसके लिए एक और प्रावधान किया गया जिसके अंदर में 304B जो मैंने बोर्ड पे लिखी है इसको जोड़ा गया। 304B का मतलब ये होता है अगर शादी के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की मृत्यु कारित होती है और ये सबूत मिलते हैं कि भाई वो महिला को फांसी के द्वारा लटकाया गया है या उसको जो है जलाया गया है या जलाने का प्रयास किया गया है, अगर कोई भी ऐसा साक्ष्य मिलता है तो 304B के अंदर वो दंडित किया जाएगा। और 304B का मतलब ये होता है कि उसको कम से कम 7 साल की सजा और या जीवन भर की सजा उसको दी जा सकती है। तो कहने का मतलब महिलाओं के प्रति जो दहेज हत्या है इन सब को रोकने के लिए 304B अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की मृत्यु जलने के कारण होती है या उसकी शारीरिक क्षति के कारण होती है और शादी के 7 साल के अंदर होती है तो वो असामान्य गतिविधि के अंदर में मानी जाती है। अगर वो ये साबित हो जाती है कि वो जो है सामान्य गतिविधि है या उसको मतलब दौरा पड़ा था जिसके कारण वो खाना बनाते हुए गिरती थी या तो ऐसी चीजें हैं तो वो बचा जा सकता है। अदरवाइज तो ये क्या होता है कि अगर मान लें जैसे सेक्शन 13 का मुकदमा चलता है, सेक्शन 13 के मुकदमे यानी कि तलाक का मुकदमा, इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा जो है 7 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाता है तो बच्चे के 7 वर्ष पूर्ण होने तक बच्चे की जो कस्टडी है वो माता को दी जाती है और उसका भरण पोषण उसके पिता यानी कि पूर्व पिता से लिया जाता है। ये ठीक है, जब तक कि वो महिला किसी दूसरे से शादी ना कर ले,
अगर वो महिला किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसका जो भरण पोषण का अधिकार होता है वो भी समाप्त हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने चर्चा करी है, इसके लिए अलग से एक भरण पोषण की क्लेम एंड मेंटेनेंस का भी इसमें एक प्रश्न है, मैंने अलग से एक वीडियो है जो पहले बना रखी है तो उसको देख लेना, वो काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से दो हमारी जो धाराएं हैं 498A और 304B, ये ऐसी धाराएं हैं जो महिलाओं के प्रति जो हो रही अत्याचार है उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो तो बता दियो कमेंट में कि स्पीड तेज हो, कमेंट वमेंट करते रहे ना, थोड़ा सा मन सा लगेगा, रात को बना रहा हूँ वीडियो तुम्हारे लिए। चलो अब हम बात करते हैं भारतीय जो दंड विधान है उसका एक धारा और है 497। ठीक है, 497 जो धारा है हमारी वो ये होती है कि जो एक महिला होती है, महिला के सतीत्व की, महिला की पवित्रता की सुरक्षा करने का काम करती है आईपीसी की धारा 497। इसमें क्या होता है, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस है इनमें महिलाओं की शादी, मतलब छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं और फिर जब वे बड़े हो जाएं उनके हस्बैंड वे और भी शादी कर लेते हैं, तो फिर पत्नियों में ये लगता है कि अपने पति को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाए। हालांकि हमारे देश में तो बहुत अच्छा है कि महिलाओं की आयु निर्धारित की गई है, कम आयु पर शादी करने पर दंड विधान कार्य करता है। तो अब जो 497 है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ या लिख देता हूँ। 497 देखिए, 497 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है या जिसका वो जानता है कि वह किसी और पुरुष की पत्नी है या विश्वास रखने का कारण जानता है, तो इस धारा के अंतर्गत केवल पुरुष ही जिम्मेदार होता है यदि वो उस महिला से मतलब संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बना लेता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने उसके पति की जो है सहमति ली है या नहीं ली है, ये जो है हालांकि रेप की कोटी में ये नहीं आएगा, यानी कि बलात्संग की कोटी में ये नहीं आता है, लेकिन ये जार कर्म का तो दोषी होगा, जार कर्म के लिए थोड़ी सजा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई महिला है जो शादीशुदा है, उसके साथ में किसी ने मतलब शारीरिक संबंधों को स्थापित किया है, तो इस दशा में क्या होता है कि ये कहा जाता है कई बार इन मामलों में रिट पिटीशन दायर की गई है कि भाई जो ये है हमारे मूल अधिकार को जो है हनन करती है ये जो धारा है। दरअसल में ऐसा कुछ नहीं है, जो मूल अधिकार है वो इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव है, क्योंकि उसका कहना है कि महिला को भी तो अवेटर के रूप में जो है स्वीकार करना चाहिए, अवेटर यानी कि दुष्प्रेरक के रूप में मानना चाहिए कि उसने महिला ने ही तो उसको मतलब आकर्षित किया अपने साथ में आने के लिए। तो अब इस दशा में चूंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 है ये धारा इनका उल्लंघन करती है, लेकिन क्योंकि ये न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि भाई देखिए महिलाओं की जो आकृति है वो उनकी जो प्रकृति है वो अलग है, उनकी शारीरिक बनावट अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 क्लोज 1 है इसके द्वारा इसको मना किया गया है, यानी कि इसकी जो संवैधानिकता है इसकी चुनौती इस आधार पर दी जा सकती है कि ये जो है आर्टिकल 15 क्लोज 1 का के द्वारा प्रोहिबिटेड है, मना कर दिया गया है। तो ये था हमारा भारतीय दंड विधान 497। ठीक है, इसी क्रम में अब हम बात करेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध किस प्रकार विधिक सुरक्षा प्राप्त है। देखिए आजकल जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ी है, नारियों को पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार से जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें भी महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ रहा है, कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए भाई। लेकिन एक बात है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है अगर उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बदतमीजी करेंगे तो उनके लिए तो उनकी जॉब जा सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्या है, वो तो मतलब महिलाओं को दबाने का प्रयास करते हैं नालायक। तो क्या होता है, इसमें एक केस था विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, लिख दूं क्या, रुको, तो इस केस में ये मैंने लिख दिया विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हो, इस केस के माध्यम से न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि जो भी ये उद्यम है इनको जो है क्या करना चाहिए, इनको
एक सूचना पट लगाना चाहिए, उस पर लिखना चाहिए कि भाई जो ये दंडनीय अधिकार दंडनीय अपराध है, अगर किसी मामले में ये साबित हो जाता है कि किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ की गई है, उसको परेशान किया गया है, तो उस महिला को या उस अपराध के बारे में जो व्यक्ति साक्ष्य प्रदान कर रहा है उसको तंग या परेशान बिल्कुल ना किया जाए, कति ना करा जाए, तो ये निर्धारित किया गया था इस मामले में। और अगर किसी उपक्रम में कामकाजी महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, वहां पर उनके नियोजक जो है उनकी जिम्मेदारी है कि कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के निवारण के लिए उनके लिए कोई उपाय बनाए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। और यदि किसी कार्य स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। और यदि कामकाजी महिला के साथ किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसको पर्याप्त संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जैसे संरक्षण कैसे प्रदान करेगा, मान लिया यहाँ से वहाँ तक के लिए गाड़ी की व्यवस्था उनको कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार नाइट शिफ्ट भी चलती हैं, डे शिफ्ट भी चलती हैं। और केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के उत्पीड़न के लिए और उनकी रोकथाम के लिए उचित कानून बनाए, और काम काजी महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं उनके परिवारों की जो जांच है उनके लिए एक शिकायत मंच का निवारण समिति का एक क्या कहते हैं गठन किया जाए, और ऐसी समितियों का जो अध्यक्ष है महिला को ही बनाया जाए, क्योंकि महिला ही महिला को जान सकती है। और यौन उत्पीड़न का जो ऐसा साहित्य तैयार करे जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जा सके। और उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया है, उसमें उन्होंने कुछ एक शब्द हैं उसकी परिभाषा में जिसको जोड़ा है कि भाई यौन संपर्क का प्रस्ताव रखना या उसके लिए अनुरोध करना ये भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना या अश्लील टिप्पणियां करना या उसका प्रदर्शन करना या शारीरिक संपर्क करना, टच करना उसको अनैतिक रूप से, मतलब गलत तरीके से, गलत सोच के साथ में बैड टच करना, और ऐसे टच का प्रयास करना भी गलत है, या कोई अन्य अशोभनीय कार्य या अश्लील आचरण करना ये भी गलत है। ठीक है, एक और मामला है जिसको मैं बता देता हूँ, वो इसका अंतिम केस है। एक केस था जी, वो चल गया, हाँ एक केस था हमारा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए के चोपड़ा, ये बहुत बढ़िया केस था। इस केस में क्या था, जो ए के चोपड़ा था एक बार काउंसिल के अध्यक्ष का पर्सनल सेक्रेटरी था, यानी कि बार काउंसिल के अध्यक्ष का निजी सचिव था। तो इनके कार्यालय में एक महिला काम करती थी जो टाइपिस्ट थी, जिसका काम डिक्टेशन लेने का नहीं था। तो इसने ताज होटल पैलेस में उस महिला को बुलाया और ये कहा कि आप अध्यक्ष जी से डिक्टेशन लें। तो महिला ताज होटल पैलेस के कमरे में गई, वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था, तो जब तक कि अध्यक्ष जी वहाँ पर नहीं आए उसके साथ में छेड़खानी करता रहा, उसको अनैतिक आचरण उनके साथ में करता रहा। ये घटना थी 1988 की घटना थी, जिसमें वो जो है कमरे में उसके साथ में बदतमीजी करता रहा। इसके बाद अध्यक्ष जी आए, उनको डिक्टेशन ली, और डिक्टेशन लेने के बाद में अध्यक्ष जी चले गए। इसके बाद डिक्टेशन को लेकर के ए के चोपड़ा ने उस महिला को बेसमेंट में बुलाया और बेसमेंट में उसको टाइप कराया। टाइप कराते समय भी उसने उसके साथ में बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी। फिर वो महिला वहाँ से लिफ्ट के माध्यम से अपने घर जाने लगी, तो लिफ्ट के अंदर भी उसने उसके साथ में बदतमीजी करी। और बदतमीजी करने के बाद अब उस महिला को ये हुआ कि भाई अब ये सहन नहीं होने का, तो उस महिला ने 18/8/1988 को जो है अपने अध्यक्ष जी से इसकी शिकायत की। अध्यक्ष जी ने उसकी शिकायत पर उसको निष्कासित कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, और उसके विरुद्ध जांच चली, और जांच चलने पर ए के चोपड़ा को दोषी पाया गया, और उसको 28/6/1989 को नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकालने के बाद में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करा, और उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने द्वारा विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिए गए निर्णय का अवलोकन करा।
इस केस के बाद में विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामलों का अवलोकन करा और उसने उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमारा संविधान लैंगिक समता की व्यवस्था करता है, पुरुष और स्त्रियों के समान अधिकार दिया गया है, मात्र लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, अतः अनुच्छेद 21 में पुरुष एवं महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इस इतना ही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है इंटरनेशनल कन्वेंशन से, उनके अंदर भी इसके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। और एके चोपड़ा ने एक शर्त रहित उस मतलब जो है क्षमा के लिए प्रपोजल रखा, जिसको उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि अगर मान लिया उस व्यक्ति को क्षमा करके वापस उसको नियोजन में रख लिया जाता तो पता नहीं क्या क्या करता, और चलो भले ही ना ही करता तो इससे महिलाओं का जो आत्मविश्वास था, आत्मसम्मान था, उसको ठेस लगती, वो छोड़ के चली जाती, क्योंकि रोज उनको उसको सामना करना पड़ता। तो ये था साहब हमारा जो है मतलब पूरा का पूरा जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ में जो यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, किया पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिल्ली तो बिल्कुल बेकार हो गया, जाने को मन नहीं करता है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा कहीं कोई गला काट रहा है किसी का, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं। दरअसल मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ क्या है कि जितने भी जैसे हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग संविधान है, अरे एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर एक राष्ट्र है तो एक कानून होना चाहिए, ना तो कोई किसी का गला काटेगा, ना कोई किसी का रेप करेगा। अमेरिका है, जापान है, चीन है, वहाँ कोई किसी का रेप क्यों नहीं करता, वहाँ कोई किसी की गर्दन क्यों नहीं काटता? वो इसीलिए नहीं काटता क्योंकि वहाँ का कानून जो है, लॉ जो है, स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर किसी को पर्सनल लॉ बोर्ड्स नहीं दिए गए हैं। वन नेशन वन रूल होना चाहिए। इसके लिए ये आवाज़ कौन ले जाएगा, क्योंकि विधायकों का काम है विधि का निर्माण करना, विधायकों तक ये बात पहुँचाना और वो इसके ऊपर कार्य करें। खैर क्या करें, बड़ी दुख की बात है। अगला हमारा जो एक सवाल और है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किसी महिला कर्मकार को प्राप्त गर्भपात और गर्भावस्था से संबंधित लाभों के प्रावधान का वर्णन करें। देखिए दोस्तों, दुनिया में एक शब्द है जो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है और बहुत बड़ा शब्द है, बहुत शक्तिशाली शब्द है, छोटा सा शब्द है, जिसका नाम है माँ। माँ तो देखो जी, माई हो, किसी की भी हो, एक माँ अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर होती है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, यहां तक कि औरतों और अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखती वो अपनी औलाद के लिए। खैर अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है और स्वतंत्रता की लहर आ रही है, आजकल इस महंगाई के दौर में एक व्यक्ति की कमाई से काम नहीं चल रहा, तो महिलाएं और पुरुष जो है दोनों समान रूप से, एक साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों समान रूप से कार्य कर रहे हैं और अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज महिलाएं जज भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, पायलट भी हैं, वाहन चालक भी हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सारे कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद भी उनकी एक अपनी समस्या है, उनका महिला होना, और महिला होना यानी कि उनका एक मातृत्व लक्षण होना, जो उनके लिए एक गर्व का विषय भी है और जिसके कारण पूरी जो सृष्टि है वो पृथ्वी पर समाज में आई है। तो उनको जो प्रसूति प्रसविधा के जो दाव जो लाभ है वो ये है कि कोई स्त्री अगर अपनी प्रेगनेंसी की सूचना दे देती है, अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपनी जल्दी से जल्दी जो सूचना है वो उस नियोजन का दे देनी चाहिए प्रेगनेंसी की। और सूचना प्राप्ति पर जो नियोजन का मालिक होता है, नियोजक है, उस स्त्री को जो है अनुपस्थित रहने की परमिशन दे देगा। और अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रसव के 6 सप्ताह पहले उसको छुट्टी मिल जाएगी और प्रसव के बाद 6 सप्ताह बाद उसको जो है फिर से छुट्टी मिलेगी। अगर प्रसव के दौरान उसको जो है डेथ हो जाती है तो उस दशा में क्या होता है कि वह व्यक्ति उस वेतन को प्राप्त करेगा जो उसने नॉमिनी बनाया है। अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो सक्सेशन जो उसके लीगल हीयर्स है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मतलब क्या कहते हैं प्राप्त करेंगे उस बोनस को या उस सैलरी को जो उनकी रुकी हुई है, और चिकित्सीय बोनस जो है उनको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही गर्भपात आदि की दशा में जो छुट्टी का प्रावधान है
वो क्या होता है कि अगर गर्भपात की दशा में जो छुट्टी अगर उनको दी जाती है, तो उस छुट्टी के दौरान अगर वो किसी अन्य स्थान पर काम करते हुए पाई जाती है तो उनका जो सैलरी है वो उनको नहीं मिलेगी। हालांकि उनको छुट्टी पूर्ववत यानी कि जैसे पहले दी जाती थी 6 हफ्ते की, ऐसे ही उनको दी जाएगी। ठीक है, 6 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान इसके अंदर में है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगला क्वेश्चन है भरण पोषण की मांग, है ना, CRPC 125 से 128 तक की, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे सर्च कर लेना CRPC के अंदर में, वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब मैं आज की वीडियो में विदा लेता हूँ, अपने कमेंट वमेंट करते रहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।